जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की कृपा से सात दिन कैसे बीते भक्त और भगवान की कथा प्यारी, जिन्हें सुनावे आप भोले भंडारे। सुनो सुनो भक्तों की कथा। पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि जलंधर में बड़ी विशेष कृपा होती है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव जलंधर में लगभग 1955 से आते थे लगभग। और उस वक्त रात को जैसे हम लोग के यहाँ प्रोग्राम होता है, उस वक्त रात को लगभग 2-2 बजे तक प्रोग्राम होता था, 8 बजे से 1-2 बजे तक। और इतने लोग होते थे, पुरानी पिक्चर्स अगर हम देखते हैं, इतने लोग होते थे, देख के ऐसा लगता था कि आज जो है आधुनिक समय में, जबकि इतना एडवांस है, सब जगह लाइव हो जाता है, उससे आकर्षित होकर के इतने लोग भी आते हैं। उस वक्त थे धार्मिक लोग, जिनको धर्म में विश्वास के साथ अनुभव भी था। आज हम लोग जो धार्मिक अपने आप को कहलाते हैं, इनका भगवान पे विश्वास नहीं। कोई भी बोल दे इस वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बस वहाँ वहाँ चले जाओ। उस वक्त ऐसा था नहीं। लोग जो जहाँ होते थे, जिस धर्म में होते थे, उसी धर्म में वो विश्वास करते थे। इतना ज़्यादा जैसे जैसे दुकानें ज़्यादा खुलती गईं, वैसे वैसे लोगों को भ्रम फैलता गया। और अंत में वो भ्रम इतना बड़ा फैला कि हमारा बहुत बड़ा जो समाज है वो उन गुरुओं के चुंगल में फंस गया या चक्कर में चला गया, जिन गुरुओं के यहाँ पर भगवान की कोई सेवा पूजा की बात ही नहीं है। गुरु ही सबसे बड़े भगवान हैं, गुरु ही परमेश्वर पारब्रह्म है। बहुत बड़ा हमारा जो हिस्सा है ना, ये इन 70 वर्षों में वहीं पे फंस गया। आप लोगों ने कभी ख्याल नहीं किया होगा शायद, उसका कारण क्या हुआ? उसके दो कारण मैंने देखे। पहला कारण कि अपने सनातन धर्म में हम लोग जो हैं, जब कोई आता है तो उसका समादर नहीं करते, उसका आदर नहीं करते। और यही अगर कोई दूसरे हमारे जैसे दिखने वाले संस्था या समाज जन में
माँ नहीं अच्छी, मारती है, डांटती है मेरे को, ये अच्छी है, उसको पता नहीं ये अच्छी है या नहीं है। ये तुम्हारी सारी ऊर्जा को लेकर के संसार में लगा देगी अपने, पता नहीं। ऐसी संस्थाओं में जाते जाते जाते, ऐसे डेरों में जाते, ऐसे आश्रमों में जाते, स्थिति ये आ गई कि अब हम लोग जो दिखने में हिंदू लगते हैं, वो वास्तविकता में बहुत से आश्रमों डेरों में फंसे हुए लोगों के कारण हमारे में से ही बड़े ही एक कम क्वालिटी पर विचार आता है कि क्या कारण है, क्या कारण है। पहला को कारण ये कि अपने यहाँ पे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में तो बहुत विशाल धर्म है ना। आपको सनातन धर्म का मतलब पता है? सनातन का मतलब आत्मा, धर्म मतलब स्वभाव, सिंपल। लेकिन सनातन धर्म में इसकी विशालता के बारे में मालूम है? किसी ने मुझसे कहा कि ये सनातन धर्म भी कैसा जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। धर्म तो वो धर्म होता है जिसमें एक है तो एक ही है बस। मैंने कहा वाह अच्छी बात है, मतलब तुम ये चाहते हो कि ऐसा स्कूल हो जिसमें एक ही क्लास हो, तो स्कूल नहीं कहलाया जा सकता, वो कोई ट्यूशन वाली क्लासेस कहलाई जा सकती है। स्कूल किसे कहेंगे जिसमें बहुत सी क्लासेस हो, और यूनिवर्सिटी किसे कहेंगे जिसमें बहुत विषयों की क्लासेस हो, है ना। यहां पर किसी को भी छोड़ा नहीं है सनातन धर्म ने। उसने कहा तू आत्मा से जुड़ कैसे भी जुड़, कहता नहीं मैं नहीं जुड़ता। क्यों? कहता मैं पीता हूं, तुम्हारे धर्म में मना करते पीने के लिए। कहते कोई बात नहीं, आजा आजा। तमोगुणी देवता, हमारे यहाँ देवता तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, निर्गुण भगवान स्वयं, तमोगुणी देवताओं को दिखला दिया, जा फलाने भैरों को जो है भोग लगा और खाओ। मतलब उसको भी नहीं छोड़ा। कहते ना जैसे दुष्ट बच्चे होते जो कहते मैंने नहीं जाना स्कूल, मैंने जाना, मैंने नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, चल खेल ला, हाँ खेल ला, भज गया, वो भागना शुरू किया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ओ तू तेरा स्टेप लेते की कहते तेरा स्टेप तेरा कदम भज गया है। अच्छा फिर दौड़ा दौड़ के जा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ओ हूं बारह में किवें हो गया। उसके दिमाग में खेल खेल में क्या डाल रहे हैं, गिनती। प्ले स्कूल्स होते ना, खेल खेल में गिनती डाल रहे हैं। और फिर देख अनार अ अनार, हाँ देख खाला, उनको लगाने के लिए केवल मात्र उनको लगाने के लिए क्या किया, वृंदावन बिहारी लाल की, तमोगुण को भी कहा कि हाँ इस सनातन के अंदर ही, इसको बाहर मत निकालो, किसी ना किसी तरीके से इसको हम लोग स्कूल में लाएंगे, स्कूल में लाके इसको पढ़ाएंगे, आगे की विद्या बढ़ाएंगे,
स्किल डेवलपमेंट करने का हमारे सनातन धर्म के अंदर विशेष महत्व दिया, जो जिसके अंदर अवगुण है उसको गुण में कैसे बदले। और वो तमोगुणी व्यक्ति जो पीता था, वो भैरव है, भैरव ले, भैरव कोई शराब पीता है, चलो तमोगुणी है तो गया। फिर उसको बोला गया रोज नहीं, मैं तो रोज पीता हूँ। कहते फिर तू कहता भगत, फिर तो सही भगत है ही नहीं, रोज नहीं फलाने दिन। चलो जी, मन मन में फिर सोचता मैं तो भैरव का पक्का भगत हूँ, फलाने दिन ही पीऊँगा। ऐसे ही फिर बलि मांस इन सब के लिए तमोगुणी देवताओं को स्थान। अच्छा, तमोगुणी को देवता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं देवता, देता है जो वो देवता, देने वाला, देवे वालों देता, देता जो देता है वो देवता है। इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, भग्नि, ये सब देवो भव बोलते हैं। ये सब हमें देते हैं, ज्ञान देते हैं, हम लोगों को प्रेम देते हैं, है ना। तो इसलिए इन सबको देवता कहा जाता है। बल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय कम करवा दो, राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद। तमोगुणी देवता, रजोगुणी देवता। रजोगुणी देवता कौन? इंद्र इत्यादि, इंद्र वरुण अग्नि, ये जो ग्रह हैं ये सब रजोगुणी है। रजोगुणी देवता क्या होते हैं? ये मार काट नहीं करते, अपने आप की वैभवता स्थापन करने के लिए ही, केवल अपने आप की ताकत दिखाने के लिए ही केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो उन रजोगुणी देवताओं का राजसिक लोग जो हैं, जैसे ये दान पुण्य करते हैं, चलो गांधी सेवा कर लो, यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, थोड़ा ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये रजोगुणी उपासना है। जो पुण्य कर्म करने चाहते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था थी। आप किस प्रश्न के बारे में सुन रहे हैं इस वक्त? मैं किस प्रश्न के बारे में जवाब दे रहा हूं? सनातन धर्म की विशालता, इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, एक ही नहीं है। बस आंख बंद करो, भेड़ की तरह चलते रहो, ऐसा नहीं। तुम जिधर भी चल रहे हो इसका संबंध इधर है। चाहे तुम गुरु की उपासना कर रहे हो तो भी संबंध यहां पे है, तुम सनातन से बाहर नहीं हो। जो आत्मा की तरफ जोड़ने की पद्धति है, तरीका है, उसमें सारी की सारी व्यवस्थाएं आ जाती है। इस प्रकार से सनातन धर्म बहुत विशेष और विशाल धर्म है। धर्म का मतलब होता है
स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, सनातन आत्मा का स्वभाव। तो सनातन धर्म के अंदर से कई एक शाखाएं उपशाखाएं ऐसी निकली जिन्होंने सनातन धर्म की ही जड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का साथ दिया। ऐसी शाखाएं डालियां निकली जो कुल्हाड़ी के अंदर बैंट बन के लग गया और सनातन धर्म की ही जड़ को काटने का प्रयास करने लगे। उसके बीच में बड़े बड़े महापुरुष लोग आए जिन्होंने धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो तो रक्षा होगी बोल करके उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया। जो हम लोग अपने सनातन धर्म को ना समझे, ना समझने के कारण हमने जितने लोग हैं उनसे अपने आप को अलग पाया और साथ साथ हमारी मनोकामनाएं जो हैं वो दूसरी जगह पूरी हो सकती हैं, हुई हैं, ऐसे चक्कर में पड़ गए। लगभग 89 की बात है, 88-89 की बात है, जब बहुत दंगे फसाद हो रहे थे हमारे भारत में, विशेष करके पंजाब में, आतंकवाद चरम सीमा पे था, उस समय की बात है। लुधियाना में हमारे पिताजी के एक मित्र, उन्होंने यूं ही मेरा हाथ देखा और कहा, भगवान दास तो भगवान की तरह पूजा जाएगा, मेरी एक बात मान ले। मेरे ना बड़ी जल्दी बत्तीसी निकल आई थी, मैं जो बोलता था हो जाता था, एक बात मान ले। मैंने कहा मैं भगवान दास हूँ, भगवान जो बनने की कोशिश करेगा, उस वक्त मैं थोड़े ऐसे ही शब्द बोलता था, मारूंगा उसको मैं, ऐसे करके मैंने, दिमाग खराब है तो सुन तो ले। मैं क्या सुनना ही नहीं, अरे सुन ले जो उन्होंने बात कही। आज कितने साल हो गए, 89 साल, 33 साल, लगभग 33 साल, 33 साल के अंदर लगभग भारत के अंदर 50 ऐसे गुरु पैदा हुए हैं, या ऐसे डेरे, ऐसे बाबे, ऐसे भगवान जो मेरी तरह बन सकते थे। सॉरी मैं तो ऐसा नहीं बना, लग रहा मेरे मेरे भाग्य में वो था। उन्होंने बोला, कहते वो हाथ देखते थे बड़ा अच्छा, कहते तू मेरी बात मान ले, सच कह रहा हूं, बात मान ले। मैंने कहा मैं माननी नहीं, सुननी नहीं। मैंने कहा सुन तो ले, मेरे दिमाग में चल सुन लेते, बच्चा था मैंने। कहते देख जो तेरे पास आए उसको आशीर्वाद देना, कहना जा बेटा काम हो जाएगा, लेकिन जब हो तब 10 को और बताना। कहते बेटा 10 में से साथ में एक जरूर बात कहना, इतनी जल्दी नहीं, कृपा तो हमने कर दी है, थोड़ा सब्र करना, श्रद्धा और सबूरी, सब्र करना। मेरे समझ में नहीं आया उस वक्त। कहते बेटा 10 में से 5 का तो भाग्य से कुछ ना कुछ बनेगा, तेरे से जुड़ जाएगा, और जब कुछ बन जाएगा और तेरे पास आके वो कहेगा तो बोलना ये कृपा है बस। फिर देखना वो 10 में से जो 5 का बना, 5 50 को लाएंगे, 50 में से 25, 25 से फिर 250, 250 में से 125, 125 में से फिर 1250, कहते ऐसे कहते कहते हिंदुस्तान में तो भगवान बन जाएगा। बोलो वृंदावन, यही धंधे चल रहे हैं भैया, यही धंधे चल रहे हैं। क्यों भटकते हो, जो भगवान
स्वयं इस संसार में आकर के दुखों को भोग करके आपके सामने दिखा रहे हैं कि जिन दुखों को तुम भोग करके काट लोगे उतने तुम्हारे बंधन खुल गए। समय आने पे जब तुम्हें स्थान मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा, एक मूर्ख ने मुझे कहा। कहते तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, अर्जुन वगैरह के साथ में उनके साथ दुख भोगते रहे, उनको निकाल नहीं पाए, मतलब जंगलों में। मैंने बोला मूर्ख, भगवान उन्हें कहते हैं जो अपने बनाए हुए नियम को एज इट इज रखे, उन्हें भगवान कहते हैं। अपने नियम बनाए हुए नियम को तोड़ दें वो शैतान होते हैं, भगवान नहीं होते। भगवान साथ में रहे, जिसके कारण माँ कुंती ने कहा जब बिछो होने लगा राजा बन गए युधिष्ठिर, तब कुंती जी ने कहा कि हे प्रभु आप इस वक्त जा रहे हैं, हमें तो वो दुख ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जिन दुखों में आप हमारे साथ थे। ये सिंहासन तो दुखों का कारण बन गया है कि आपके बिछोह में अब हम रहेंगे कैसे। आपके साथ में वो जंगल भी भयानक नहीं लग रहे थे, आपके बिना ये राज सिंहासन वीरान शमशान की तरह लग रहा है, ये मैया कुंती ने कहा। सोचने वाली बात है ना, भगवान साथ में है तो क्या परेशानी। माँ की गोद में अगर बालक है तो उसे क्या ठंडी क्या गर्मी, कभी लग सकती है उसे ग्लू, कभी लग सकती है उसे ठंडी। तो भगवान के आगोश में अगर भक्त है तो उसे बाहर से कोई भी ताप मिलता रहे भले, लेकिन उसे अनुभव नहीं होता। जैसे आप एसी गाड़ी में जा रहे हैं तो एसी गाड़ी में बड़ा ज़्यादा आपको बाहर लू चल रही है, आपको कोई अनुभव होगा, फराटे से चली जिज करके चली जा रही, चलो भाई चलते रहो, ये बात। इसलिए सनातन धर्म बहुत विशाल धर्म है, इस धर्म की आदि और अंत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा का आदि और अंत नहीं है, तो आत्मा के धर्म का आदि अंत कैसे हो सकता है, आत्मा के स्वभाव का आदि अंत कैसे हो सकता है। आइए आज की, अच्छा आप में से कितने लोग ये चाहते कि रात को रात का प्रसाद ना मिले और डेढ़ घंटा लगभग कथा कीर्तन हो, हाथ खड़ा, एक एक हाथ खड़ा करना, दो दो नहीं। भैया देख लो थोड़ा सा, करना नहीं करना, उधर देख लो, इधर वालों ने नहीं, अच्छा इधर ना, जबरदस्ती कोई नहीं पाई, जल्दी गल है, आप नहीं आओगे तुसी, ठीक है ठीक। रात को कोशिश करेंगे मेडिटेशन की, ध्यान की। गोविंद जिस प्रकार से पिछली बार कृपा की गोविंद नाम ने, ऐसे ही कुछ प्रार्थना करें। घूम के जाएगा, यहां से नहीं जा सकता। और भगवान की कथा प्यारी,
पड़े क्या है? भक्त और भगवान की कथा प्यारी, जिसे नाचते गाते भोले भंडारी। भक्त और भगवान की कथा प्यारी, जिसे नाचते गाते भोले भंडारी। भगवान की कथा प्यारी, जिसे नाचते गाते भोले भंडारी। भगवान की कथा प्यारी, जिसे नाचते गाते भोले भंडारी। अकेले अकेले गाओ, जिसे नाचते, जिसे नाचते गाते भोले भंडारी। जिसे नाचते गाते भोले भंडारी, जैसे उस वक्त गाओगे वैसे गाओ, और नजदीक गाओ, इससे ज्यादा नजदीक मत जाना, ठीक है? एक मूड बनने के बाद में मेरी आंखें ना खोलें, यही निवेदन है। सुनो 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 भक्त
बाड़ा भारत में एक डिस्ट्रिक्ट है, ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में धीरेंद्र गुहराय एवं सुधांशु बाला नाम की एक सदगृहस्थी निवास करती थी। उनके परिवार में मां काली की उपासना होती थी। तीन बच्चों के बाद उनकी एक बिटिया का देहांत हो गया। बालकपन में मन में बड़ा शोक हुआ, ये क्या हुआ। फिर बालक जो धारण होता वो ढंग से रहता नहीं, खत्म हो जाता। उनसे किसी ने कहा कि तुमने कुल देवी की उपासना नहीं की, शायद उनकी कृपा से ही संभव है आगे की जनरेशन तुम्हारी रुक सके। माता सुधांशु वाला रो रो कर बेहाल हुई, राजपुरो इतने बोला, तेरी माँ की पूजा न पूरी हुई, तेरी माँ की पूजा न पूरी हुई, तेरी माँ की पूजा न पूरी हुई। तुम्हारे वंश में कामाख्या देवी की पूजा होती आई है, तुमने उनकी पूजा नहीं की, जाओ उनके दरबार पे जाओ। धीरेन्द्र गुहराय जी ने पत्नी के साथ माँ कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाई। वहां बड़े पुजारी जी जिनका वंश अभी भी वहां पूजा करता है, उन बड़े पुजारी जी के पास जब गई, उन पुजारी जी से माँ का बिल्कुल साक्षात्कार था, बिल्कुल ऐसे माँ उनसे वार्तालाप करती थी। बड़े पुजारी ने जब ध्यान लगाया, माता का कुछ आदेश उन्होंने पाया, तीन दिवस और तीन रात्रि की पूजा की नहीं, माँ कामाख्या ने ऐसा वर दीनी, पुजारी जी से कहा ऐसा बालक होगा इनके, ऐसा बालक होगा इनके जो हरिजू का दास कहाया, जन्म जन्म के पुण्य जगे, अब हरि भक्त जो घर में आया, हरि भक्त जो घर में। माता ने कहा देखो रामनवमी के समय में ये लोग गए थे, नवरात्रों की जो पूजा होती है वहां बड़ी दिव्य पूजा होती है, हालांकि वहां बकरे और महिषों की बलि दी जाती है, ममोगुणी स्थान है, लेकिन उस देवी ने ऐसा वर दिया कि आपके घर में भगवान के धाम से एक बालक आएगा, जिस बालक की प्रेरणा से, जिसके आचरण से बहुत लोग बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्रणाम करके पूजा करके घर वापस आए, समय अनुसार जैसा नियम बोला था कि तीन महीने तक आप पूरी तरह व्रत करना, तीन महीने बाद
आपके घर में जो अंश आएगा ये उसे धारण करेगी। धन्य सुधांशु बाला, धन्य सुधांशु बाला, धन्य सुधांशु बाला, धन्य सुधांशु बाला। मां पुजारी जी के आदेशानुसार नियम के अनुसार पालन कर रही है। पुजारी ने कहा, मां ने सुनाया कि ऐसा दिव्य बालक आएगा। वो दिव्य बालक के आने से ही मां के हृदय में दिव्य प्रसन्नता अद्भुत अद्भुत अति अद्भुत हुआ। जिस दिन पूजा पूरी हुई थी नवरात्रि की रामनवमी के समय वाली, उसी दिन रामनवमी के दिन इस बालक का जन्म हुआ। और बालक के जन्म होते ही सारे समाज में वैसे ही रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। नौ दिनों की पूजा, नवरात्रों की पूजा, सभी आनंद से नाच झूम रहे थे। इसके बीच में उस बालक का जन्म होता है। घर में आनंद अति ही छाया, घर में आनंद अति ही छाया, घर में आनंद अति ही छाया, घर में आनंद अति छाया, घर में आनंद अति ही छाया, घर में आनंद अति छाया। बालक सुंदर घर में आया, 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 बालक सुंदर घर में आया। देखिए इस बालक का नाम उनकी पुरोहित ने रखा, माँ कामाख्या की कृपा से मिला, तो इसका नाम कामाख्या प्रसाद। क्या नाम? नाम धरा नाम हुआ कामाख्या का, प्रसाद हमने पाया। बालक
समक्ष आज सभी के नैनों हृदय में आया, नैनों हृदय में आया, नैनों हृदय में आया। घर के सारे जितने भी लोग थे थोड़े सांवले रंग के, ये सुंदर गोरे से रंग का। नन्ना बालक घर में जन्मा, नन्ना बालक घर में जन्मा, नन्ना बालक घर में जन्मा, नन्ना बालक घर में जन्मा। माँ का प्रसाद हमने पाया, माँ का प्रसाद हमने पाया। और बधाई होने लगी, बहुत लोग बालक को देखने आने लगे। दूब घास होती है ना, दूब घास ला करके उसकी नजर उतारने लगे। कोई कुछ लाता, बहुत सुंदर वातावरण। ये कामाख्या प्रसाद छोटे से बालकपन में इनका दिव्य स्वभाव क्या था उसे सुनी। एक समय माँ घर में पूजा कर रही है, पूजा करते हुए प्रसाद दिया, जो चिनोरी होती ना, वो जो मिठी, क्या बोलते हैं, फुलियाँ, मिठी फुलियाँ, वो दी। और ये ले जा कर के बाहर जो चींटियाँ हैं जहाँ और कीड़े हैं छोटे छोटे, उनको डाल रहे हैं। बालकपन से दया हृदय में, जो कर्मों में दिखती थी, हिंसा करने वालों के भी हृदय में दया वो दिखती थी, हिंसा करने वालों के दया हृदय में दिखती थी। एक दिन इस बालक ने एक पक्षी को किसी ने गुलेल मार करके गिरा दिया। दौड़ के गया, रोने लगा, उस पक्षी को हाथ में ले करके रोने लगा, उसको पानी पिलाया। जिसने मारा खाने के लिए वो भी दौड़ के आया और आ करके देख करके, ला मेरे को दे दे, रोने लगे। उसके रोने को देख करके हाथ जोड़ कर चला गया और वहां के जितने लोग थे, कैसा दयावान ये बालक, कैसा दयावान ये बालक, कैसा दयावान ये बालक, कैसा दयावान ये बालक। उनके बड़े भाई ने हमें एक घटना सुनाई। उनके चाचा जी का बेटा उनसे बड़ा, उन्होंने हमें ये घटना सुनाई कि एक बार मैं खेल खेल में जो खिला रहा था उन छोटे छोटे कीड़ों को, कहते उनके ऊपर से मैं दौड़ के चला गया और खूब रोए, दो दिन खाना ही नहीं खाया। माँ ने कहा अब क्या करें, ओ बात नहीं की हमसे, कहते मैं बड़ा था मुझे याद है, कहते बात नहीं की तो मन में आया कि अरे, कहते बाद में हमें मालूम पड़ा जब घर छोड़ के चला गया कि दयावान जो बचपन से था क्या था। आज किसका चरित्र सुनने के लिए आपके कार्ड में लिखा था पता है कुछ, उनका चरित्र सुना रहा। उन्होंने कहा, कहते कि दो दिन बात नहीं की, माँ ने देखा कि बच्चा है इसके अंदर द्वेष घर ना कर जाए। कामाख्या सुनो, ये प्रसाद बचपन से सीखा हुआ है, ये प्रसाद जाके सबको दो और उसको बोला तो प्रसाद ले लेना। ये सबको जाके दे रहे हैं, अब वो सामने आ गया। बचपन से ही द्वेष हृदय में जगा ना पाया था उनके, भक्ति से भरा हृदय मत, हाँ भक्ति से भरा हृदय मात्र था, हिंसा से दुखी दुखी,
हिंसा से दुखा हुआ हृदय मात्र था कि इसने उनको मार डाला। अब सामने है, हाथ आगे के माँ बोल दो ना, दो दो दो, सबको देना चाहिए। दिया, ऐसा बालकपन में स्वभाव। आप लोगों के परिवार में भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके हृदय में दया होती है, उस दया को बढ़ाइए, उनको कंजूसी मत सिखाइए। सुनो सुनो भक्तों की लीला, सुनो सुनो करते थे, चाचे वगैरह अंडा वगैरह खाते थे, मगर इन्होंने बचपन से अपने चाय के बगीचे होने पर भी चाय नहीं पी, प्याज लहसुन नहीं खाया। जब भी खिलाया जाता आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, बाहर को आ जाती। ऐसा दिव्य चरित्र है इनका, ऐसा दिव्य चरित्र है इनका, ऐसा दिव्य चरित्र है इनका, ऐसा दिव्य चरित्र है इनका। पवित्र से पवित्र है इनका, पवित्र से भी पवित्र है इनका, ऐसा दिव्य चरित्र है इनका, ऐसा दिव्य। माता पिता बड़े प्रसन्न हैं, मात्र अभी मां 7 साल की अवस्था है, बचपन में ध्यान लगाते थे। 5-7 साल की अवस्था में एक बार ये गुम हो गए। पिता का बहुत बड़ा वैभव था, बहुत बड़ा खानदान था, सभी लोग मांगते थे धीरेंद्र गुहराय जी को। गुहराय जी ने सब जगह बोला हमारा बालक गुम गया, कौन सा वो, सबको सिंपैथी, सबको उसके प्रति लगाव, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी उन्हें ढूंढने लगे। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन जाकर के एक गडरिया जो है, जो गाय चराता है, नाम ग्वाला बोलते हैं वहां पे, उस जगह का नाम ग्वालपाड़ा, ग्वायों का ही क्षेत्र था। तो उस जगह पर वो गाय चराते चराते पहाड़ के ऊपर गया, वापिस आते ही उसने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा है एक गुफा की तरफ, तो उसे लगा कोई नाग होगा। ये बालक उस गुफा में शांत बैठा, आंखें उल्टी हो रखी, अद्भुत दृश्य देख करके उसने देखा, अरे ये तो वही है चाचा जान जिसके बारे में कह रहे थे, चाचा जान जिसके बारे में बोल रहे थे वही बालक तो नहीं। दौड़ा दौड़ा नीचे आया, चाचा चाचा क्या हुआ, एक बालक ऐसे करके गुफा में बैठा हुआ है। कहां पे? पहाड़ के ऊपर। ओ हो सकता वही हो। जाकर के पहले उनको बात बताए कि आपका बालक शायद ऊपर बैठा हुआ। तीन दिवस तीन रात्रि बीते, निज देह की सुध बुध ना रही, मन में प्रेम जगा जो उनके, आत्मा बोले हरी हरी, आत्मा बोले हरी हरी, आत्मा बोले हरी हरी, आत्मानंद में, आत्मानंद में डूब के भूल गए सब सुध बुध देह की, सब सुध बुध देह की। तीन
दिवस बीत गए ये भान ना पाए कहीं भान ही नहीं मिला उन्हें कि तीन दिन कैसे बीत गए। दौड़े दौड़े घर के सब मात पिता है आए माता का सा पीट रही कोई आकर शंख बजाए माता का सा पीट रही आकर शंख कोई शंख बजा रहा है कोई घड़ियाल बजा रहा है और सब लोग हरी 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 लगाने के लिए डर रहा है आंखें उल्टी हैं सांस चल रहे हैं लेकिन शरीर में तनिक भी हिल डुल नहीं। ऐसी दिव्य स्थिति को देखकर जितने भी लोग थे उनके हाथ जुड़ गए हरी हरी कहने लगे हरी 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 हरी। वहां पे एक ध्वनि बोलते हैं जब कोई ऐसी स्थिति आती है ना हरी 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 बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल ऐसे ध्वनि करते हैं सब लोग कोई विपदा आने से। आज भी ऐसी स्थिति है हालांकि वहां पर अभी विधर्मी लोग ज्यादा हैं दूसरे धर्म के लोग बहुत ज्यादा हो गए पहले भी थे इतना ज्यादा नहीं था। हरी 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 मिनट बाद बालक की आंखें सामान्य हुई आंखें बंद हैं अभी थोड़ी देर में जैसे ही आंखें खोली उनको देख करके हैरान हो गए कि कहां हूं कहां आ गए अपने आप को पता ही नहीं लग रहा है कहां पे। मां पास में गई उठाया अरे कहते आप अभी आ गए घर में जब ध्यान करते थे तब दो तीन घंटे में कोई ना कोई हिला देता था अब तीन दिन बीत गए बोलते आप अभी आ गए। मां ने छाती से लगाया बेटा अभी नहीं तीन दिन बीत गए सिर नीचे कर लिया अभिमान नहीं नीचे सर करके अति संकोच भाव जो उदित हुआ माता ने उन्हें गोद में लीना सारा प्रेम ही उमड़ दिया सारा प्रेम ही उमड़ दिया। माँ ने ला करके घर आई छाती से चिपकाए रखा अब बालक सोच रहा है कब तक चिपका रहूं। हृदय में हरि की धुन जो लागी 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 मन में भय माँ के व्यापा मन में भय माँ के व्यापा मन में अब डर गई माँ क्यों अभी ये तीन दिन के लिए गया पता ही नहीं लगा कि कहां है बड़ा होकर के चला जाएगा तो क्या होगा
पुनः कामाख्या माँ के दरबार में गए। पुजारी जी से कहा, महाराज ऐसे ऐसे 3 दिन के लिए गायब हो गया था। उन्होंने कही बात, माँ ने मुझसे बात कही थी, माँ ने मुझसे बात कही थी, ये बालक तुम, ये बालक आपके पास रहेगा नहीं, ये बालक तुम संग ना रह पाएगा, तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा, जगत के कल्याण के लिए निकलेगा और फिर चला जाएगा। रोने लगे महाराज। और भी बालक हुए उसके बाद, बच्चे उनके और भी हुए, लेकिन इससे ऐसा प्रेम किसने, बिना किसी से कुछ कहे, घर में जो मांसाहार बनता था बिना किसी के कुछ कहे व्यवहार से ही खत्म करवा दिया। ऐसे दिव्य बालक। सुनो सुनो भक्तों की लीला, रामलीला होती थी श्लोकों के साथ, ये गानों के साथ नहीं मनोरंजन करते हैं भगवान जी के, रामलीला का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं, श्लोकों के साथ। घर में गुरु महाराज जी का श्लोक, गुरुदेव के घर में ऐसा दिव्य माहौल था कि जो माता पिता दादा दादी जितने बुजुर्ग हैं बच्चों को भगवान की कथा सुनाते थे, आज डोरीमोन की कथा सुनाते हैं। सही बोला मैंने, डोरीमोन ना कुछ और है, छोटे भीम की कथा सुनाते हो, ये सब चल रहा है। उस वक्त ऐसा नहीं था, हमने भी अपने माता पिता से भगवान की भक्ति की ही बातें सुनी, हम उल्टा सीधा कहीं टीवी देखने छुप छुप के चले जाते थे तो पिटाई अलग से होती थी। सुनो सुनो दासों की लीला, भक्तों की लीला, सुनो सुनो दासों की लीला, सुनो सुनो भक्तों की लीला, सुनो। राम चरित्र चल रहा है, उसमें इनको एक पार्ट मिला, हमेशा इनको मिलता था विभीषण बनने का रोल। विभीषण के पास शिक्षा होती है, शिक्षा होती है, उसको शिक्षा देनी है रावण को, उसको शिक्षा देनी है असुरों को, है ना, तो वो शिक्षा विभीषण के पास में रहती है। तो ये बालक के पास बड़ा अच्छा ज्ञानी है, इसको विभीषण का रोल दो, हमेशा इन्हें विभीषण का रोल देते। इस बार लक्ष्मण की तबीयत खराब हो गई तो कहा कि तुम लक्ष्मण बन जाओ। इन्हें सारा पाठ याद है, सबके पाठ याद है, किसी को कहीं भूल होती बोल देते। उम्र अब इस वक्त लगभग 10-15 वर्ष की, 15 वर्ष की उम्र है, ऐसी उम्र में लक्ष्मण का रोल मिला, अद्भुत अद्भुत। लक्ष्मण जब बने इतना आवेश आ गया लक्ष्मण भाव बनने का कि लक्ष्मण भाव में उधर से जो कान्ना होता ना कान्ना, उस कान्ने का तीर मारा। किसने किसने मारा था लक्ष्मण को, रुक जाओ अब तुम लोगों से पूछो, किसने मारा था लक्ष्मण को, हैं? रावण ने, शुक्र रामानंद सागर ने थोड़ा सा ज्ञान दे रखा है तुम लोगों को, माँ बाप से तो मिला नहीं,
मेघनाथ ने तीर मारा, जैसे तीर लगा ये टोटली धड़ाम से गिर गए और इनका सांस आना बंद हो गया। तीर लगा, बेहोश हुए, सांस आना बंद हो गया। सारे के सारे पहले तो देख रहे थे शायद नाटक कर रहा है, सांस नहीं ले रहा, शायद नाटक कर रहा है, लेकिन पास में आकर के देखा सचमुच में सांस नहीं चल रहा। बड़ी देर हो गई सांस ही नहीं चलना, तो जो डायरेक्टर थे घबरा गए, हल्ला हो गया, पर्दा लग गया, क्या हुआ क्या हुआ। हाँ मैं बीच में बात एक भूल गया, वो पुजारी जी के पास गए तो उन्होंने एक कड़ा दिया था इनको, इस बच्चे को कड़ा पहना के रखो और ये कड़ा ये जब तक रहेगा ये कहीं नहीं जाएगा। कड़े का इतना प्रभाव था कि जैसे मानो किसी ने बांध रखा हो। एक दिन कड़ा थोड़ा टाइट हुआ, माँ को लगा ये टाइट हो रहा है, किसी तरीके से उसको निकाल करके, नरम नरम हाथ थे, निकाल करके रखा कि मैं इसको ठीक करवा के दोबारा पूछती हूँ। बस उसके बाद ही 2-3 दिन के अंदर ही घर छोड़ दिया। अपनी बात में बीच में बहुत सी बातें आ रही हैं, छूट रहा है प्रसंग। गिर गए तो माँ घबराई, दौड़ी दौड़ी वही घंटा घड़ियाल लेकर के दौड़ के आए, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल करने लगे, महामंत्र करने लगे, जोर जोर से कीर्तन होने लगा। 25 मिनट तक लगातार कीर्तन होता रहा, लोगों का हुजूम लग गया कि बालक को क्या हो गया, बालक को क्या हो गया। उस समय जो गैस वाली लाइट होती है ना वो जलाई जाती थी। 15 मिनट बाद उन्हें होश आया, होश आते कहां है मेघनाथ, कहां है मेघनाथ, करने लगा ऐसा अद्भुत चरित्र। ये सबने देखा है, सबको ये मालूम ये बालक विचित्र है। राम जी की राम लीला के भीतर ऐसा आवेश दिखाया था, लक्ष्मण के भाव में मूर्छित तन मन सब ये काया था। सारी अद्भुत दृश्य हुआ। इस प्रकार से जीवन चलता रहा। निमानंद ठाकुर प्रभु पाद के दास, जो गृहस्थ हुए उनके दर्शन करके इन्होंने जैव धर्म के पठन किए, जैव धर्म के पठन किए, जैव धर्म के पठन। एक निमानंद गृहस्थ में एक महापुरुष हुए, उनके संग में इन्होंने सुना कि एक ग्रंथ है जीव का धर्म, आत्मा का धर्म, अपने मुख से इन्होंने कई बार बतलाया कि जब हम ध्यान करते तो हमको पता नहीं लगता, ऐसा लगता अभी आ जाएंगे अभी चले जाएंगे, फिर मन में आता अगर अभी चले गए तो आँख खुल जाते, इतना भगवान से तल्लीनता। मैं जिनकी बात बतला रहा हूं वो मेरे परम आराध्य श्रील गुरुदेव की कथा है। सुनो सुनो मेरे गुरु जी की लीला, सुनो 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 मेरे गुरु जी की लीला, सुनो 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 मेरे गुरु जी की लीला, सुनो सुनो। माधव गोस्वामी जी ने ग्वाल पाड़ा जब पदा अर्पण किया, कामाख्या के हृदय में कुछ ऐसा भाव जगा दिया, कामाख्या के हृदय में ऐसा भाव जगा दिया,
देख के श्री माधव गोस्वामी, देख के श्री माधव गोस्वामी को सब कुछ अर्पण किया। तुम ही मेरे नाथ हो स्वामी, ऐसा भाव हृदय से भरा, ऐसा भाव हृदय में भरा, ऐसा भाव हृदय में भरा, ऐसा भाव हृदय में भरा। माधव गोस्वामी को देख करके कामाख्या के हृदय में, इस कामाख्या प्रसाद के हृदय में ऐसा भाव आया कि आप मेरे सर्वस्व हो, मैं आपको भूल करके यहाँ कहाँ पड़ा हुआ हूँ। तेजोमय माधव गोस्वामी की श्री मूर्ति दिव्य अति, जो भी देख रहा था उनके हृदयों में भक्ति जगी, हृदयों में भक्ति। माधव गोस्वामी जी को देख करके ही सबके हृदय में भक्ति भाव हुआ। आहा कितने ऊंचे लंबे चौड़े गोरे से, हाथों को उठाए सबसे, हाथों को उठाए सबसे, हरि नाम करते जाते, हरि नाम करते जाते। पापी अधम जो भी मिलता, पापी अधम जो भी मिलता, हरि नाम उसको सुनाते, हरि नाम उसको सुनाते, हरि नाम उसे सुनाते, हरि नाम उसे सुनाते। माधव गोस्वामी का ऐसा दिव्य भाव देख करके कामाख्या ने हृदय में विचार किया, मैं इनके श्री चरणों में चला जाऊंगा। मगर 3 दिन के लिए आए, उसके बाद वापस चले गए। उनके एक शिष्य हुए राधा मोहन दास। श्री राधा मोहन दास जी के पास में जाकर के ये शिक्षा लेने लगे। अब अवस्था 24 वर्ष की हुई। एमए फिलॉसफी जब इन्होंने कंप्लीट की, उस वक्त इनको डिप्टी मैजिस्ट्रेट की नौकरी के लिए कॉल लेटर आया। ये 1946 की बात है। 1946 में एमए फिलॉसफी उस वक्त करना, जब 3 क्लास पास भी कलेक्ट हमारे यहाँ पे वो हेडमास्टर हुआ करते थे, इंग्लिश मीडियम में एकदम गोल्ड मेडलिस्ट उस समय के। कामाख्या चरण के हृदय में आया, नौकरी किसकी करूं, बचपन से ही भाव भरा था, मैं हरी हरी ही मेरे पिता की तरफ से, माता की तरफ से, सजनों की तरफ से प्रेशर आया, बेटा भाग्यशाली को ये कॉल लेटर मिलती है, तूने इंटरव्यू दी और तुम पास हो गए, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। हृदय में विचार किया, क्या करूं क्या करूं, गुरुजी से पूछूं, अभी दीक्षा नहीं हुई, गुरुजी से पूछूं। गुरुदेव के पास में निवेदन किया, गुरुदेव टेलीग्राम भेजा, मैं क्या करूं, सब लोग बोल रहे हैं नौकरी करनी पड़ेगी। तो दादा गुरुजी ने भी लेटर दिया बड़ा सा, कहते नौकरी तो करनी पड़ेगी, या इधर की या उधर की, नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, या संसार की कर लो या भगवान की कर लो। मन में निश्चय किया कि भगवान की ही नौकरी कर ले, क्योंकि माता निश्चिंत हो गई थी कि बच्चा बड़ा फर्स्ट क्लास पास हो रहा है, वो कड़ा जो गुम हो गया है, कहाँ गुम हो गया माता को पता नहीं लगा। कड़ा तो क्या, इन्हें कौन से कड़े बांध सकते हैं, जो ठाकुर के प्यारे हैं
उन्हें साक्षात माया भी कुछ नहीं कर सकती। सुनो 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 भक्तों की लीला, सुनो 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 दासों की लीला, सुनो सुनो उनके एक गुरु भाई से अभी रिसेंटली मैं कोई 15-20 दिन पहले मिल के आया। उन्हीं के साथ उनका नाम दीक्षा हुई। हमारे यहाँ पे जब गुरुजन हरिनाम देते हैं, दीक्षा देते हैं, तब उस वक्त नाम बदल देते हैं संसार का। इनका नाम हुआ कृष्ण बल्लभ दास। क्या नाम? कृष्ण बल्लभ दास। गुरुदेव से गुरुदेव का उत्तर पढ़कर मन में ये विचार किया, दासता करूं तो इनकी करूं, नहीं जीवन क्यों बेकार किया, नहीं जीवन क्यों बेकार किया, नहीं जीवन क्यों, मैं अपना जीवन नहीं तो बेकार नहीं करूंगा, दासता करूंगा तो इनकी करूंगा, सेवक बनूंगा तो इनका बनूंगा। अब सोचिए, बंधु भाई बहन कहो तेरे, माता पिता का प्यार थी, जिसकी मति ठाकुर जी से, उनका जग में प्यार नहीं, उनका जग में प्यार नहीं, उनका जग में प्यार नहीं। सुनो 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 दासों की लीला, सुनो सुनो की लीला, सुनो सुनो दासों की लीला, सुनो सुनो। दीक्षा हुई, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव मैं आपका, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण, से देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे श्री कृष्ण चरण भजय। कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी नाम, मेरे गुरु जी का नाम, मेरे गुरु जी का नाम कृष्ण वल्लभ, मेरे गुरु जी का नाम कृष्ण वल्लभ, मेरे गुरु जी का नाम कृष्ण वल्लभ, मेरे गुरु जी का नाम। ब्रह्मचारी नाम हुआ कृष्ण वल्लभ दास ब्रह्मचारी। गुरुदेव के चरणों में इतनी शरणागति हुई। अब ये ऐसे थे कि पिता की आज्ञा के बिना कभी कुछ किया नहीं। मैंने इनका बचपन का जन्म लीला उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, सुना नहीं पाया। भूख लगने पे कभी मांगा नहीं। बहुत सी बातें हैं, सब छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने 30-31 दिन इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा की थी, वो भी एक श्लोक की व्याख्या में, कैसे ये श्लोक इनके ऊपर लगते हैं। वो लीलाएं सुनाई हुई हैं, YouTube पे है परमाचार्य देव की लीला। तो गुरुदेव के चरणों में आ गए, ऐसा जीवन, संपूर्ण जीवन समर्पित, ऐसा कि कभी कुछ कपड़ा लत्ता फट भी जाए मांगा नहीं, सिलना नहीं आता है। जगमोहन प्रभु जो हमारे दादा गुरु जी के शिष्य गुरु भाई थे, उनके पास जाके ये ऐसा, अच्छा इसको ऐसा ऐसा सिल लो। 1947 में घर छोड़ा, 1961 में संन्यास हुआ, तब नाम हुआ
कृष्ण बल्लभ ब्रह्मचारी से भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय हो। क्या 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 सुनाऊं तुमको, उनकी लीला अनंत है लागे, उनकी लीला अनंत है लागे, उनकी लीला, उनकी लीला ही अनंत लग रही है। आप कहेंगे जो अपने गुरु जी के बारे में बोल रहा, भैया नहीं बोल रहा। सूरज के सम्मुख जैसे दीपक, ऐसी अपनी वाणी लागे, ऐसी अपनी वाणी लागे। सुनो सुनो गुरुदेव की लीला, सुनो सुनो गुरुदेव की लीला, सुनो सुनो गुरुदेव की लीला, सुनो सुनो। एक बार हरिद्वार गए, वहां हिल डायरिया हो गया। हिल डायरिया एक ऐसा होता है कि बंदा खत्म। ऐसी स्थिति में जहां कैंप लगा था, उस कैंप के बाहर हमारे दादा गुरुजी घूमने लगे रात को हरिनाम करते हुए। उनके गुरु भाई ने कहा, महाराज आप कहते मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसे जाने नहीं दूंगा। रात भर उनके कुटिया का चक्कर लगाते हैं, ऐसी अवस्था हुई। गुरु महाराज जी अपने मुख से कहते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता था हम कहाँ है। जब हम ध्यान करता किधर चला गया पता ही नहीं लगता। ऐसा दिव्य चरित्र, क्या छोड़ूं क्या सुनाऊं, कम वक्त, वक्त बड़ा कम है, कुछ पूरा नहीं कर पा रहा। आप लोग शाम को आएंगे ऐसा लगता है, प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा है? नहीं मिलेगा। कितने बजे से? 6 से 8। अभी जाएंगे 6 बजे, कैसे आएंगे? आएंगे नहीं। अच्छा जाके बनाना भी है। अच्छा 6 बजे से 8 बजे तक कौन कौन आएगा, हाथ खड़ा करो। प्रभु जी नहीं आ रहे। संडे में भी ऐसा करोगे? प्रसाद नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, होगा होगा। नमोयम विष्णु पादाय गुरु प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरु भीमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिने सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटि मातृव सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने त्रिनादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहम् दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम, अहे तुम कृपां कृत्वा दासं
गुरु में गुरु वरा। जय 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 गुरुदेव हमारे, जय 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 गुरुदेव हमारे, जय 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 गुरुदेव हमारे, जय 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 गुरुदेव हमारे। राधा में दासों का दास भाव भरा हुआ, उस भाव से गुरुदेव के चरणन में था मन लगा हुआ, चरणन में था मन लगा हुआ, चरणन में था मन लगा। ऐसा अद्भुत चरित्र है, जीवों के प्रति स्नेह, अपने हृदय में मान का लेश मात्र भी स्थान ना हो। अपनी विद्वता एमए फिलॉसफी पढ़ने के बाद में संस्कृत के अंदर एक प्रकांड विद्वता होने के बावजूद मन में हमेशा भक्तों के जूठन को साफ करने की भावना। दादा गुरु ने देखा बच्चा योग्य है, अपने साथ हमेशा रखना शुरू किया कि ये मेरे पत्र लिखेगा, जवाब देगा। इंग्लिश बहुत बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश, लेकिन गुरुदेव ने कभी अभिमान नहीं किया। दादा गुरु महाराज जी ने साथ में रखा। इस्कॉन के जो फाउंडर एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिनको आप लोग श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने वृंदावन में इनसे कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो प्रचार बहुत आगे बढ़ेगा, तुम मेरे साथ चलोगे तो हाथ जोड़ के बोले आप भी मेरे गुरुदेव हो। क्योंकि दादा गुरु जी के गुरु भाई, आप मेरे गुरुदेव हो, मैं अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित हूँ। आप वो अगर मेरे को बोलेंगे तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मगर आपका आदेश मैं उल्लंघन भी नहीं कर सकता, लेकिन मान भी नहीं सकता। हाथ जोड़ के निवेदन किया और अद्भुत श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने जा करके श्री माधव गोस्वामी महाराज, जो कि आप यहाँ दो देख रहे हैं ना, एक तो श्री मूर्ति है और इस तरफ मेरी वाली साइड में जो है वो दादा गुरु जी माधव गोस्वामी महाराज, इनके पास जाके इस्कॉन के फाउंडर ऋषि भक्तिवेदन स्वामी महाराज जी ने कहा, महाराज आपका जो भक्ति वल्लभ तीर्थ है वो मुझे दे दीजिए। तो हंसने लगे, कहते मैं क्या करूंगा, मेरा तो ऐसा एक ही है, इसको दे दिया तो मेरा हाथ ही नहीं रहेगा। मतलब ऐसा अद्भुत प्रेम का, ऐसा अद्भुत प्रेम गुरु का, औरों ने जो ना पाया, ऐसा अद्भुत प्रेम गुरु का, औरों ने ना पाया।
इसी भाव में जीवन अर्पित सब चरणों में, इसी भाव में गुरुदेव ने अपना संपूर्ण जीवन, जो हृदय में कोई विचार आया तो एक ही आया, एक ही विचार आया, ऐ मन दुर्मति संसार भीतर पड़िया छिनुआमी, तव निज जन कौन महाजने, पठाइया दिले तुमी दया करी मोरे पतित देखिया, कही लोया मारे गिया, ओहे दीन जन सुनो भाल कथा उल्लासित हरिया। ये गुरुदेव इस कीर्तन को करके व्याख्या करते थे, क्या व्याख्या करते थे कि मैं संसार में कहां पड़ा हुआ था, जो भक्त होता अभिमान नहीं करता कि मैं पहले से ही मुक्त था ना, मैं कहां पड़ा हुआ था, आसुरी क्षेत्र आसाम में, आसुरी क्षेत्र आसाम में कहां पड़ा हुआ था, मेरे को भगवान ने अपने निजजन को भेजकर उद्धार किया, कहां हमें कहां मालूम था, अनन्य भक्ति भी होती है कोई, अनन्य भक्ति का मतलब ना अन्य इति अनन्य, जैसे आप 10 जगह जाते हो ना, इसको भी उसको भी उसको भी उसको भी सबको कहते हैं आप ही मेरे प्रभु आप ही मेरे मालिक हो, बोलते हो ना। अब आप अगर शिव जी के पास गए आप कहेंगे प्रभु जी आप ही मेरे हो, राम जी के पास आप ही मेरे हो, सबके पास आप मेरे हो, मगर जब सब आपके हैं तो आपका कोई नहीं, और कोई एक आपका है तो आपको सब प्रेम करेंगे, ओ इसके उसका है आ जाओ आ जाओ, ये उसका है आ जाओ, ये भाव अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति दिव्य भाव है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कहां हम पड़े हुए थे, हमको उठा करके भगवान के चरणों में लाकर अनन्य भक्ति सिखाई, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में लाख लाख बार प्रणाम। आइए आज की सभा को हम विश्राम देंगे, आगे चलेंगे। ये ऐसा चढ़ गया है ये वाला धुन जो है ना, और कुछ आ ही नहीं रहा, ये सुनो सुनो इतना चढ़ गया ना, मैं कुछ भी गाने के लिए सोचता हूँ ना सुर ही नहीं निकलते उसी में आ जाते सारे, जैसे सारे धाराएं जो समुद्र में जाकर विलीन हो जाती, ऐसे सब कुछ इसी में आ जाता है। आइए छोटा सा पद भगवान के चरणों में गुरुदेव के माध्यम से, शायद आप लोगों को इतना प्रेम ना हो जो कि होना चाहिए, भगवान के चरणों में जितना प्रेम होना चाहिए उतना प्रेम स्वयं से भी नहीं होना चाहिए। भगवान के चरण कौन है, भगवान के चरण जो हमको इस संसार से निकाल ले, इस संसार से निकाल ले, वही भगवान के चरण है। गुरुदेव प्यार
सबको बता दूं, शाम को यहाँ पर बड़ा सुंदर ही दीपदान का महोत्सव है। आप सब लोग घर जाकर रोटियां मत बनाने लग जाना, टाइम से आ जाना। आज मैं बिल्कुल शुरू में आऊंगा क्योंकि जल्दी समाप्त करेंगे, ऐसी इच्छा है। और एकादशी में मैं, एक तारीख की एकादशी है, उस दिन भी यही रहूंगा। और उस दिन गिने चुने लोग ही आना, सारे मत आना, क्योंकि व्रत है भैया, खाने को ना मिलेगा। गिने चुने ही आना, लेकिन आना भी 10 बजे, देखें कि कौन निकलता है घर से रिजाई में से। रात 10 बजे से 12 बजे तक एकादशी, एक तारीख को कीर्तन होगा, और आगे बढ़ गए तो फिर भगवान जाने, हमें ना पता, ठीक है ना। गुरुदेव प्यारे
कर्मों के लिए जाता हूं तो ऐसा लगता है मुझसे विषय कोई ना होगा। ये मन जो है ना, ऐसी स्थिति है इसकी, आत्मा इसे समझती है और समझ कर ये प्रार्थना कर रही है। पापी बड़ा अपराधी बड़ा हूं, विषयों में मैं तो खूब गड़ा हूं। अधम जान के ना ठुकराना, अधम जान के ना ठुकराना, देना विषय भोगों को चखने को
धर्म के जा, धर्म के जाल से मुझको छुड़ाना, धर्म के जाल से मुझको छुड़ाना, देना सहारा, देना सहारा, पत्नी, मैं इसका बेटा, मैं इसका बाप, ये संसार के रिश्ते नातेदारों में मैंने खुद को मालिक समझा, अपने शरीर का और मेरे से जो है उसके शरीर का या उस वस्तु का। वास्तविकता में ये संसार तो यही रह जाएगा और आप मेरी आत्मा को ले जाएंगे ठाकुर जी के पास, ये बात मैं भूल गया। तुम मेरे मालिक, मैं सेवक तुम्हारा, तुम मेरे मालिक, मैं सेवक तुम्हारा, तुम मेरे मालिक, सेवक तुम्हारा।
पतित पावन श्रील गुरुदेव महाराज की जय। हमारे
तीर्था उत्सव वालों की इस योगदान जो समिति है उनकी तरफ से यहाँ के गौ सेवकों को कुछ विशेष सम्मान देने की इच्छा हुई थी, तो मैं निवेदन करूँगा दयामय गुरुदेव दास संगत देर कृष्ण कि उन सबको ऊपर लेके आइए सम्मान। कुछ मालाएं रखी है यहाँ पे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा नाचना है कोई बात नहीं, गोल घेरा बना लीजिए जैसे गुजरात में गोपियां नाचती हैं। हरे राम भैया वो ले तो आओ जो इनको देना है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ऊपर बैठा ऊपर हरे हरे। जो गाय सेवक हैं छह जन, जो छह सात लोग जो गाय के सेवक हैं, गाय का जो गोबर उठाते हैं, गाय की जो सेवा करते हैं सफाई की, उस कृपया आइए बैठे। जो महंत जी हैं उनको भी बुला लेते, महंत जी को भी बुला लो। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे लोग कहाँ हैं। राम राम हरे हरे, एक साथ आने दो एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शाम को भूलिएगा नहीं, शाम को 6 बजे यहाँ पर सुंदर दीपदान महोत्सव होगा हमारे श्री राधा रमन संकीर्तन मंडल की तरफ से, जो तीर्था उत्सव के अंदर ही हैं, गोवर्धन के अंदर ही हैं। समीर भैया यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये सेवा ली है कि महाराज यहाँ भी गैयाओं को जो है एक सुख दिया जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, शाम 6 बजे दीप प्रज्वलन हो जाएगा और उसके बाद 8 बजे तक कथा चलेगी। मेरी आवाज़ अगर आप गौ सेवक सुन रहे हों तो कृपया आ जाएं। इसके अलावा जो मंदिर के हमारे महंत जी हैं जो सेवा करते हैं वो, और उनके साथ में नहीं है, वो आ नहीं पाएंगे, तो आप ले लीजिएगा।
से ना गैया के शरीर की सुगंध आने लग गई। देखा, शरीर में गोबर और गोमूत्र का स्नान होता रहता है। प्रभु जी थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे मीठा मीठा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हमारे जो सेवक हैं उन सबको ये निर्देश दिए हुए हैं, कभी भी कोई भी सी चीज किसी को देनी हो तो रद्दी मद्दी सस्ती नहीं देनी। तो मेरे बड़े ही प्रिय, मेरे गुरुदेव के कृपा पात्र श्री गौरव, आगे क्या है, तयाल तायल, तायल, तायल। गौर नाम क्या है, गौर 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 सुंदरदास जो हो, तो उन्होंने इनके लिए ये टी शर्ट्स मंगवाई हैं। पहली टी शर्ट्स यहाँ के जो टी शर्ट बोले क्या बोलेंगे इसको, जैकेट्स जैकेट्स ठंडी से बचने के लिए महाराष्ट्र के लिए।